दोस्तों, दुनिया के सभी देशों में खान पान की अलग अलग परंपराएं हैं। इसमें से चीन की बात थोड़ी अलग है। चीन में किसी भी जानवर का मांस खाना एक प्रकार का रिवाज है। चीन में 28 जनवरी को ल्यूनर न्यू ईयर मनाया जाता है और उस प्रोग्राम में लोग बहुत सारे खाने की डिश खाते हैं। तो दोस्तों, आज मैं आपको ऐसे ही कुछ जानवरों के बारे में बताऊंगा जिसे चाइना में जिंदा खाया जाता है। लाइव प्रॉन। चीन में इस डिश का नाम है जुईसिया। इस डिश में झींगे को शराब में डुबाकर रखा जाता है। ये बार बार उससे निकलने के लिए उछल कूद करते हैं। इसके बाद इसे जिंदा ही चबाकर खाया जाता है। चाइना के लोगों का माने तो ये खाना बहुत ही स्वादिष्ट है। चीन के साथ साथ दुनिया के बहुत सारे चाइनीज रेस्टोरेंट में इस डिश को पाया जाता है। ये डिश बहुत महंगी है। हालांकि चाइनीज सरकार ने इस डिश को बैन कर दिया है, लेकिन चीन में आसानी से ये डिश आपको मिल जाएगी। लाइव स्नेक। काफी सारे अजीब खाने के साथ चीन में जिंदा सांप को खाया जाता है, लेकिन इसे बनाना किसी आम शेफ का काम नहीं है। इसे बनाने से लेकर सर्व करने तक सांप जिंदा रहना चाहिए, इसलिए ये डिश को बहुत तेजी से बनाना पड़ता है। पहले सांप का सर धड़ से अलग किया जाता है, बाद में उसे काटकर परोसा जाता है। ये डिश में वही सांप इस्तेमाल किया जाता है जो जहरीला नहीं है। मंकी ब्रेन। हाँ, आपने सही सुना, चीन में जिंदा बंदर का ब्रेन एक बहुत ही स्पेशल और महंगी डिश में से एक है। सुनने में जितना घिनौना है, असल में उससे भी ज्यादा है। चाइना के अमीर लोग अपने शानो शौकत के लिए ऐसा खाते हैं, लेकिन इसका स्वाद अच्छा नहीं है। हालांकि चाइना सरकार ने इस पर पूरी तरह से रोक लगा दी है, लेकिन अभी भी कई जगहों पर ये खाना मिल जाता है। बेबी माउस। चूहे का नवजात बच्चा जिसके अभी तक बाल और आंख खुली नहीं होती, उसे चीन में एक पॉपुलर डिश मानी जाती है और इसे जिंदा ही खाया जाता है। जिंदा चूहा को चॉपस्टिक और सॉस के साथ सर्व किया जाता है और लोग इसे बियर के साथ बड़े चाव से खाते हैं। लोग मानते हैं कि इसे खाने से लोग सेहतमंद रहते हैं। सरकार की तरफ से इसे भी बैन घोषित किया गया है, लेकिन चीन की किसी भी सड़क पर ये मिल जाता है। डक एग। बतख का भ्रूण जब अंडे के अंदर होता है तभी उसे उबाला जाता है। ये डिश चाइना की सबसे पॉपुलर खाने की लिस्ट में आता है। चाइना में इसका नाम है बलुट। लोगों की माने तो ये बहुत स्वादिष्ट है। चाइना के अलावा फिलीपींस में भी इसे खाया जाता है। लाइव फिश। भारत में ज्यादातर लोग मछली को फ्राई करके खाते हैं, लेकिन चीन में इस डिश को जी जांसू के नाम से जाना जाता है। इसमें मछली के सर को छोड़कर बाकी हिस्से को डीप फ्राई किया जाता है। ये काम इतना जल्दी होता है कि फ्राई करने से लेकर सर्व करने तक मछली जिंदा रह सके। इसके बाद उसे परोसा जाता है।